मुझे अपने भाई के लिए अंडे से कुछ स्वादिष्ट बनाना होगा। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मुझे एक कटोरे में कुछ अंडे तोड़ने की जरूरत है। वाह, ऐसे। और फिर थोड़ा दूध डाले। All right. दूध डल गया। अब इसमें थोड़ा नमक मिलाएंगे और इसे मिक्सर से फेटे। ये एक अद्भुत ऑमलेट मिक्सचर बन गया है। अब हमें इसे अवन में डालना होगा। इसे बेक होने देते हैं। ओके। और अब हम इसे निकाल सकते हैं। वाओ, स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। What? ओ नहीं, मैं पूरी तरह से भूल गई कि ऑमलेट अवन में था। ओ, मेरे हाथ जल गए। बहुत जलन हो रही है। ओ, लगता है अब सब ठीक हो गया। अब हमें ऑमलेट को एक प्लेट पर रखना है और इसे एलेक्स को परोस सकते हैं। मैं एक अद्भुत कुक हूँ। चलो इसे जल्द से जल्द उसके पास ले जाए। बेलिसिमो। नहीं, आउच, कितने जोर से चोट लगी। मेरा पैर, मेरा बेचारा दर्द से तड़पता पैर। मुझे इसे जल्दी से फूंक मार कर ठीक करना होगा। ओ नैंसी, तुम यहाँ हो? कोई काम था क्या? तुमने क्या बनाया है? यह अजीब लग रहा है। मुझे वह दो और गंध से भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या मुझे इसे चखकर देखना चाहिए? ओह, आशा करता हूँ कि तुम मुझे कोई जहर नहीं खिला रही हो। यह अच्छा है। यह जेली जैसा दिख रहा है। चलो इसे खाता हूँ। बुरा नहीं है, मुझे यह पसंद आया। क्या तुम इसे चखना चाहती हो? हाँ, मुझे चाहिए। इससे फेंक टुकड़ा। अरे एलेक्स, तुमने क्या किया है? तुम कितने गंदे हो। लेकिन यह फनी था। चलो आप खाना बनाते हैं और खेलते हैं। ये यहाँ अंडा है। क्या ये चिकन है? क्या मैंने तुम्हारा अंडा ले लिया? वाओ, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे तुरंत एक ग्लव की जरूरत है। चलो अभी इसे फुलाएं। ओ माफ करना चिकन। हम इसे एक कप पर लगाएंगे और फिर एक अंडे को मग में तोड़ते हैं। बढ़िया। अब हम सब कुछ निचोड़ कर मिलाते हैं। मुझे छेद बनाने के लिए एक सुई चाहिए। वाओ, एक पैटर्न बनाते हुए पैन में सब कुछ डालेंगे। वाओ, मैंने इसे खूबसूरती से किया है। ये असली एग रोल है। इसे जल्दी एलेक्स को दिखाने की जरूरत है। मुझे कौन सा खींचना चाहिए? हाँ, यह बिल्कुल ठीक रहेगा। टावर किसी हाल में गिरना नहीं चाहिए। ओ नहीं, एलेक्स, यहाँ क्या चल रहा है? तुम ठीक तो हो? मैं तुम्हारे लिए एक नया ट्रीट लाई हूँ। तुम इसे चखोगे? जल्दी उठो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। यहाँ, यह लो। क्या तुमने फिर से कुछ पकाया? चलो इसे खा कर देखें। अच्छी खुशबू आ रही है। वाह, ये स्वादिष्ट है। लाजवाब। क्या तुम भी खाना चाहती हो? वाह, स्वादिष्ट। रेसिपी को 5 स्टार। वाह, क्या मैंने एक दुर्लभ शुतुरमुर्ग को खोज लिया है? वहाँ वह बैठी है। कितनी सुंदर। ओह, तुम बहुत प्यारी हो। ओ गॉड, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। छोटी चिड़िया, तुम इतना बड़ा अंडा कैसे दे सकते हो? वाह, इससे जरूर कुछ बहुत स्वादिष्ट बन सकता है। चलो इसे खोले। वाह, अंदर बड़ा अंडा है। कूल, मुझे तुरंत इसे पकाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि बॉयलर मेरी मदद करेगा। ओह, कितना गर्म है। मुझे इसी की जरूरत थी। अंडे को पूरा पकाने के लिए हमें बस थोड़ा इंतजार करना होगा और अब मैं थोड़ा आराम कर सकती हूँ। वाह, क्या ये तैयार हो गया? तो चलो एलेक्स के पास चले। तुम बहुत सुंदर हो। मैं तुम्हें कब से कहना चाहता था। मैं, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या वे किस करने जा रहे हैं? अच्छा होगा मुझे किस कर ले। ये तुम्हारे लिए शर्मनाक है, लेकिन मुझे पता है कि इसे कैसे ठीक किया जाए। मैं अपनी नई डिश लाई हूँ। यहाँ दो, मैं इसे चक्कर देखता हूँ। इससे अजीब तरह की बदबू आ रही है और यह दिख भी कुछ ऐसा ही रहा है। है, मैं ट्राई करता हूँ। यह बहुत खराब है। 1 स्टार और 1 डॉट। अंडा बहुत अच्छा है। मैं इसे वॉफल मेकर में पकाऊंगी। आउच, चोट लगी। लेकिन यह टूट गया। मैं इसे वॉफल मेकर में डाल देती हूँ और फिर इसे बंद कर देती हूँ। और थोड़ा इंतजार करना होगा। सब कुछ तैयार है।
अब इसे एक प्लेट पर रखना होगा और इसे एलेक्स को सर्व करती हूँ। उसे ये जरूर पसंद आएगा। और अब सबसे अच्छा खिलाड़ी एलेक्स रिंग में जाता है और अपनी टीम के लिए बास्केटबॉल वर्ल्ड कप लेता है। एलेक्स, दर्द हो रहा है। ओ नहीं, क्या मेरे माथे पे ब्रूज बन जाएंगे? खैर चलो इसे भूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक नया ट्रीट लाई हूँ। मुझे बहुत भूख भी लग रही है, मैं इसे खाता हूँ। स्वादिष्ट, इसे 5 स्टार मिलना चाहिए। हेलो मछली, मैं खुले समुद्र में तुम्हारे साथ तैरना चाहती हूँ, लेकिन अभी मैं केवल एक एक्वेरियम ही खरीद सकती हूँ और तुम मेरे लिए उपयोगी हो सकते हो, क्योंकि तुम साधारण मछली नहीं हो। हम तुम्हारा उपयोग अभी खाना पकाने में करेंगे। तुम व्हाइट से योग को पूरी तरह से अलग कर सकती हो। अभी अंडा टूट गया और अब तुम्हारी बारी। योग्स और व्हाइट अलग। तुम बहुत अच्छी हो, तुमने आसानी से कर लिया। चलो गाल पर वापस जाओ। वाओ, ये कतल फिश कहाँ से आई? वाओ, वो मेरे लिए इंक लेकर आई है। कूल, मैं व्हाइट्स को काला कर सकती हूँ। बहुत बढ़िया। अब पैन में सब कुछ डालना बाकी है। मेरे पास उल्लू के आकार में एक सांचा है जिसके ऊपर बड़ी आंखें हैं। अब मुझे अपना योग चाहिए, मैं उन्हें इन आँखों में डाल दूंगी। सुंदर। अब सब कुछ एक प्लेट पर रख लेंगे और मोल्ड निकाल देंगे। वाओ, कमरे के चारों ओर स्केट करना बहुत अच्छा है। ओ नैंसी, हाय। ओ नहीं, मैं गिर रहा हूँ, मुझे पकड़ो। मेरे हाथ, मैं तुम्हारे लिए एक नई डिश लेके आई हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ऐसे गिरने के बाद तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खाने की जरूरत है। लो खाओ। वाओ, क्या ये फ्राइड एग है? इसकी आंखें बहुत मजेदार है, स्वादिष्ट है। कूल, बहुत अच्छा, मैं इसे भी खाकर देखता हूँ। मुझे अपने भाई को सरप्राइज करने के लिए एक नई रेसिपी लाने की जरूरत है। अंडा, आप यहाँ कहाँ से आए? और रंगीन पेंसिल, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मुझे कुछ अंडे उबालने की जरूरत है। यह तैयार है। और अब हम अंडे को रंगीन पेंसिल के साथ एक फिल्म में मोड़ते हैं और फिर इलास्टिक बैंड के साथ सब कुछ टाई करते हैं। और अब रबर बैंड से छुटकारा पा सकते हैं। फिल्म और पेंसिल हटा दे और अब मैं आपको सबसे दिलचस्प चीज दिखाऊंगी। अब हम अंडे को एक फूल की तरह काटेंगे। कितना सुंदर, एलेक्स को जरूर पसंद आएगा। वाओ, मेरा फेवरेट गम। वाओ, ये कितना लंबा है। मैं अब तुम्हें खाने जा रहा हूँ। और तुम बहुत स्वादिष्ट हो। वाओ, मैंने कितना बड़ा बबल बनाने का सपना देखा था। और ये रहा बड़ा। एलेक्स हाय। यह बबल कहाँ से आया? मुझे उसे छुटकारा पाना है। ये अच्छा है कि मैं अपने साथ एक पेंसिल ले आई थी, इसे उड़ा दो। एलेक्स, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, केवल गम में ढका हुआ हूँ। क्या तुम मेरे लिए कुछ लाई हो? मुझे तुम्हारे नए डिश को ट्राई करने में खुशी होगी। वाह, ये फूल बहुत अजीब लग रहे हैं। क्या मुझे उन्हें पेंसिल से खाना है? ठीक है, चलो ट्राई करता हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट। बहुत अच्छा। दादी ने आयरन इधर ही छोड़ दिया है, जिसका मतलब है मैं इस पर काम करूँगी। हमें बस ये देखना है कि यह गर्म हो। हाँ बिल्कुल सही। चलो उसे किचन में ले चले, मुझे अंडे चाहिए। हेलो सभी अंडों के राजा और रानी, मुझे खेद है लेकिन मुझे आपके छोटे को लेने की जरूरत है। हेलो लिटिल एग प्रिंस, अब आप अंडा राज के लिए अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। आपको पकाया जाएगा और खाया जाएगा। मैंने विशेष रूप से आपको दिल के आकार में बनाया है ताकि सभी जान जाए कि मैं कितने प्यार से खाना पकाती हूँ। अब केवल स्वाद के लिए थोड़ा नमक डालना बाकी है। अब एलेक्स के पास जाने का समय है। एलेक्स, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना लेकर आई हूँ, जागो। फिर से पूरी रात गेम खेल रहा था। अगर एलेक्स खुद से नहीं जाग रहा है तो मैं उसे जगाने के लिए कुछ करूँगी। एलेक्स उठो, मेरी नई डिश ठंडी हो जाएगी और इसका स्वाद उतना अच्छा नहीं होगा। जागो। वो कितने आराम से सो रहा है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे ऐसा तरीका चाहिए जो किसी को भी जगा दे। हाँ बिल्कुल, हाथ
उंगलियाँ। मैं उसे थोड़ा गुदगुदी कर सकती हूँ। जागो। यह काम किया। ओह नैंसी, फिर कभी ऐसा मत करना। मैं अभी ट्राई करता हूँ। ये स्वादिष्ट लग रहा है। अद्भुत, बहुत अच्छा। धन्यवाद, अब मैं सो सकता हूँ। तुम्हें पता है मैं तुम्हें भी हरा सकती हूँ। ओ नहीं, मैं गिर रहा हूँ। नैंसी, मुझे पकड़ो। ओह सॉरी, तुम्हें पकड़ने का समय नहीं था। चोट लग गई। नैंसी, मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। मेरी कुर्सी भी टूट गई। अब मैं किस पर बैठकर गेम खेलूंगा? मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं तुम्हारे लिए एक नई कुर्सी बनाऊंगी, चिंता मत करो। खैर, मैंने आज एक दर्जन से अधिक अंडे का इस्तेमाल किया है। एक फोल्डर जरूर डस्टबिन में होगा। चलो उसे खोजे। इधर कचरा, कचरा। ओह यह भी नहीं। ओह यह वहाँ है। हाँ, एलेक्स की नई कुर्सी के लिए मुझे न केवल कुछ दर्जन अंडे के पैक की जरूरत होगी, बल्कि अलग अलग रंगों के साथ पानी भी चाहिए होगा। इसमें मैं सभी स्टैंड को रंगीन कर सकती हूँ। अलग अलग रंग में इसे रंगूंगी ताकि कुर्सी सुंदर, चमकदार और रंगीन हो जाए। वाह, यह कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सही। और अब मुझे ऊपर बहुत सारे रंगीन पॉम्पम लगाने की जरूरत है ताकि एलेक्स कुर्सी पर आराम से बैठ सके। वाह, बहुत सुंदर। बिल्कुल सही। एलेक्स को इसे तुरंत दिखाना होगा। ओह यह कितना भारी है। इसके गिरने से पहले जल्दी से इसे ले जाना होगा। हाय, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। यह तुम्हारी नई कुर्सी है। नई कुर्सी? तुमने मेरे लिए कुर्सी बनाई? वाह, यह कितना नरम और रंगीन है। मुझे सच में यह पसंद आया। मुझे इसकी जांच करनी चाहिए। वाह, हम सच में इस पर बैठ सकते हैं। कितना अच्छा। धन्यवाद नैंसी। चलो फिर से गेम खेलते हैं। चलते हैं। ये वाह, कितना कोक है। चीयर्स बहन। शर्ट लगा लो, मैं एक घूंट में पूरी बोतल पी सकता हूँ। हाँ, मैं भी वो कर सकती हूँ। और अब हम कैंडी भर सकते हैं। बस ये गिरे ना। हाँ, हमें इसे दूसरी बोतल में भी डालने के लिए पानी की जरूरत होगी। इसे मैंने अच्छी तरह से धोया है और मैंने ऊनो कार्ड लिया है ताकि पानी न गिरे। क्या तुम तैयार हो? फिर मैं इसे पलट देती हूँ। हुर्रे, चलो खींचते हैं। वाह, ये काम कर गया। देखो ये कितना सुंदर है। वाह, सही कह रहे हो, ये मस्त है। हमने अच्छा किया। वाह, मैं यह पहले ही देख चुका हूँ। यह भी। वाह वाह, यह लाइफ हैक जांच के लायक है। वाह, मैं यहाँ हरा लगाऊंगी और यह एकदम सही होगा। वाह, तुम मास्टर हो। धन्यवाद। देखो मुझे क्या मिला है, तुम क्या सोचती हो? हाँ, यह अच्छा है। एक सेकेंड, सभी रंग इकट्ठा कर लिया। चलो चलते हैं। अरे मेरे लिए रुको। ओह, मुझे दूध पिए बहुत समय हो गया है। तुम्हारी मूछें बन गई है। चलो दूध डालने का समय है। बस एक सेकेंड। अब क्या होगा? मुझे किस पेंट से शुरू करना चाहिए? चलो बैंगनी लेती हूँ। ओह यह खुल क्यों नहीं रहा है? पेंट सूख गया है क्या? लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। चलो देखते हैं। मैंने आज पुशअप्स करके अपने हाथों को मजबूत बनाया है। और इसे कैसा रहेगा? उफ, चलो खुलो। ये काम किया। यह लो। हुर्रे, सभी रंग प्लेट पर है। अब केवल इसमें डालना है डिटर्जेंट। हाँ, इसे एक कॉटन स्वैप पर गिराकर दूध में डालना होगा। कूल। वाव, देखो सुपर, हमने कर लिया। हाँ, हाई फाइव। मेरे बॉयफ्रेंड ने फूल भेजा है, कितना प्यारा। हेलो, क्या तुमने वह देखा? कहाँ? ओ, फूलों के साथ एक लाइफ है। आइडिया अच्छा है। वाव, क्या खुशबू है। अरे भाई, खाना बंद करो। चलो जूस बनाते हैं। ठीक है, मैं गाजर से शुरू करूंगा। एक सेकेंड, और यह हो गया। फिर मैं सेलरी डालूंगा। बहुत हरा। क्या तुम टमाटर के बारे में भूल गए? लाल रंग कोई बुरा नहीं होगा।
और मैं पीला केला लूंगी। हाँ, ये कितना अच्छा है। ओके। अगर सब तैयार है तो आगे बढ़े, इस बीच हम खेल सकते हैं। मैं जीत गई। आर्म रेसलिंग कैसा रहेगा? हाँ, मैं फिर से जीती। ओह भाई जागो, देखो हमारा लाइफ हैक काम कर रहा है। वाओ, ओ वाओ, फूल कितने रंगीन हो गए हैं, ये तो बहुत अच्छा है। ये ब्लॉगर्स भी ना, ये फनी होता है जब वो खुद को एक स्टार समझती है। क्या तुम एक नया लाइफ हैक देखना चाहती हो? हम एक बोतल में जेली बनाएंगे, कूल है ना? मुझे ये पसंद है। चलो करते हैं। मेरे गले में खराश है, मुझे इसे कोक के साथ ठीक करना होगा। वाओ कितना स्वादिष्ट है। और मुझे कुछ कैंडी मिली। एक पैक काफी नहीं होगा, मैं एक ही बार में सब खोल देता हूँ, जितना ज्यादा उतना अच्छा। वाओ चलो उन्हें रंगों से छाटे। और वाओ देखो कितना अच्छा लग रहा है। मैं रेनबो के सभी रंगों को शामिल करूंगा ताकि वे खूबसूरती से झिलमिलाए। वाह अब इसमें कॉर्न सिरप डालेंगे। चलो भाई। वाह बढ़िया, अब बोतल को फ्रिज में रखना होगा और इसके जमने तक इंतजार करना होगा। ओह मुझसे बहुत इंतजार नहीं हो रहा है। क्या तुम्हारे मुंह में भी पानी आ रहा है? वाह कूल, हमने किया, ये कमाल का है। मुझे भी चाहिए क्या? मैं हाँ बेशक। सुपर, कितने सुंदर कैंडी है, ये बहुत स्वादिष्ट है। वाओ कूल लाइफ है, धन्यवाद भाई। ओह मुझे बीमार होना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये भयानक है। तुम्हारी तबीयत कैसी है? मुझे यकीन है तुम्हें खुश करेगा, ये एक लाइफ हैक है, कैसे एक लावा लैम्प बना सकते हैं। तुम इसे बनाना भी चाहती थी? एक सेकेंड, रुको यहाँ यह एस्पिरिन ले लो। धन्यवाद, अब मैं इसे जल्दी से बनाऊंगा और अपनी बहन को सरप्राइज करूंगा। सबसे पहले क्या करना है? हाँ पानी डालना है, फिर पेंट। ओह लाल उसका फेवरेट रंग है। अब हमें सब कुछ अच्छी तरह से मिलाना है। हाँ ऐसे, तैयार। लगता है यहाँ तेल की जरूरत है, क्या ये नारियल तेल है? चलेगा, मुझे लगता है इतना काफी होगा। और एस्प्रीन, ये मेगा सुंदर है, मेरी बहन जरूर बहुत खुश हो जाएगी। जागो सिस, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। कहाँ? वाह लावा लैम्प बन गया, ये मस्त है। धन्यवाद, तुम जीनियस हो। मैं इसे अपनी जगह पर रखूंगी। ओह, मैं थक गया हूँ। यह क्या? कितनी जोर से चोट लगी। ये लो। मैं इसे बाद में देखूंगा, पहले मुझे बहन को खोजना है। ओह माँ, ओह मैं मुश्किल से बच पाया। माफ करना, मैं गलती से इसे भूल जाओ, बेहतर होगा तुम इसे देखो। यह जांच करने लायक है, मेरे पास कुछ बैलून्स बचे हैं। चलो किचन में चलते हैं। वाओ इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें सोडा और सिरका की जरूरत होगी, और एक फनल भी। अब मुझे एक बैलून दो। अच्छा ठीक है लो, अब हम इसे फनल पर कसकर लगाते हैं और इसे सोडा से भरते हैं। सुपर, अब हम सिरका पर यह गुब्बारा डालेंगे। और तुम तैयार हो? पहले से कहीं ज्यादा, तो फिर शुरू करते हैं। वाओ देखो ये फूल रहा है। वाओ ये अद्भुत है, हॉगवर्ट्स के जादू की तरह। ये फटेगा तो नहीं? ओह कुछ दिलचस्प, मुझे एक नया रेनबो लाइफ हैक मिला है, इसे तुरंत बेटी को दिखाना होगा। नहीं देखो मैं शेफ हूँ। वह क्या था? क्या तुम गिरने वाले थे? चोट तो नहीं लगी? सब ठीक है, देखो मुझे क्या मिला है, क्या कहती हो? ठीक है चलो इसे देखें। मुझे स्केट दो। क्या? नहीं ये मेरा फेवरेट स्केट है, इसे अच्छे तरीके से दे दो, किसी हाल में नहीं। रुको,
मेरे पास एक आइडिया है, पापा का लैपटॉप कैसा रहेगा? मुझे उसके लिए खेद नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो मैं पेंट स्प्रे करने जा रही हूँ। कितना सुंदर, तुम्हें पसंद आया? वाओ। और अब क्रीम, मैं सूरज बनाऊंगी। अब इस पर काला रंग लगाना है और फिर पानी से धो देना है। वाओ, बहुत सुंदर। कूल, तुमने लैपटॉप को कितनी खूबसूरती से सजाया है, पापा खुश हो जाएंगे। शाबाश बहन। क्या यह कैट फूड है? यह लो दोस्त, खाओ। वाओ, बहुत बढ़िया। ब्रिटनी, तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि मुझे क्या मिला है। वहाँ क्या है? वाओ, मुझे भी यह चाहिए। चलो इसे करें। मैं कुछ कैंडी डालने जा रही हूँ। वे प्लेट पर कितने अच्छे से कूद रहे हैं। ओहो, तुम इसे फैलाओ और मैं पानी लेता हूँ। अरे, इसे लाइफ हैक के लिए बचाओ। खैर ठीक है। वाह, ये नहीं हो सकता। वाह, तुम अद्भुत हो। तुम्हें स्ट्रॉ चाहिए? बढ़िया आइडिया, ये मस्त है। देखो ये मजेदार है, तुम्हें खुद को देखना चाहिए। ओ, बिल्ली की आंखों को देखो, उसने भी स्किटल्स पी लिया। ओह, कितना डरावना। अरे, पॉपकॉर्न कहाँ है? क्या ये खत्म हो गया है? ओ नहीं, केवल दाने बचे हैं। ये अच्छा नहीं है। एक मिनट रुको। मुझे याद आया, कल मैंने एक कूल लाइफ हैक देखा था। तुम्हें क्या लगता है? मुझे इसे देखने दो। वाओ, ये अच्छे समय पर याद आ गया। चलो कुछ और पॉपकॉर्न बनाते हैं। हमारे पास एक फ्राइंग पैन है, दाने भरे, बस कुछ देर और तैयार। क्या हम स्किटल्स भी मिलाएंगे? शायद यह सच हो कि कैंडी पॉपकॉर्न को रंग सकती है। काश ये काम कर जाए, मुझे बहुत भूख लगी है। तुमने देखा? हाँ, ये काम कर रहा है। वो पॉपकॉर्न उड़ रहा है। हाँ, बस। अरे, एक कुछ करो। ओह, ढक्कन कहाँ है? लगता है अब सब ठीक है। देखो, वाह। हाँ, ये मस्त है। ओह, भूखर कहीं के। तुम ही पेटू हो। ये अच्छा था, हमने अच्छा किया। सामग्री की तलाश में भागे और यहाँ हम किचन में हैं। जरा देखो ये चिकन कितनी प्यारी है। कोकोको, मुझे लगता है उसने अंडे दिए होंगे। ओह बढ़िया, ठीक यही मुझे चाहिए। कितने सुंदर काले अंडे। थिंग, ओह धन्यवाद, यही मुझे चाहिए था। इस उपकरण से मैं अंडे को तोड़ लूंगी और सभी सामग्रियों को बाहर निकाल लूंगी। इसमें डालती हूँ अब थोड़ा आटा। ये नीड, तुम्हें क्या चाहिए? अपना डो बनाओ। मुझे आटा काला करने के लिए कुछ एक्टिव चारकोल की गोलियों को पीसने की जरूरत है। इस बैट की मदद से मैं इसे पीस दूंगी। ये रहा बैट, अब मैं इसे पीसूंगी। बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। मुझे कुछ भी तोड़ना और काटना बहुत पसंद है। अब आटे में सब कुछ डाले। ओह, मुझे पता है कि अब तुम्हें मिक्सर की जरूरत होगी, है ना? नहीं, मेरे पास थिंग है। चलो थिंग डो बनाओ, वह इसे किसी भी मिक्सर से बेहतर तरीके से संभाल सकता है। बढ़िया, और अब हमें टाइम सेट करने की जरूरत है ताकि डो को तैयार होने का सही समय मिले। वाओ, यह अच्छा है। ओह, कितने जोर से, वेंस से इसे बंद करो। बढ़िया, मेरा डो बढ़ गया है। अब हमें इसे आटे के साथ टेबल पे रखना होगा और इसे अच्छी तरह से रोल करना होगा। ओ नहीं, वेंसडे, डो के नीचे थिंग है, उसे बहुत दर्द हो रहा होगा। वेंसडे, बस करो। ओह बेचारा थिंग, वेंसडे इसे रोको। तुम क्या कह रही हो? ओ माफ करना थिंग, हमेशा तुम्हारे साथ ऐसा ही होता है। बस इधर आ जाओ, हटो। मैंने डो तैयार कर लिया है, अब मुझे साइड बनाने की जरूरत है। मैं एक अद्भुत पिज्जा बनाने जा रही हूँ।
है यार। तुम्हें क्या लगता है इनिट? अरे इनिट, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा पिज्जा बहुत काला दिख रहा है। मेरा चिकन कहाँ है? वाव, किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं कि टेबल के नीचे बहुत ट्रीट्स है। ओह वाव, क्या ऐसा नहीं हो सकता? मुझे भी देखना चाहिए। okay. चलो देखती हूँ। यहाँ पूरी तरह से खाली है। इनिट, तुम कुछ ज्यादा ही कल्पना में जीती हो, लेकिन मेरे पास बास्केट भरकर अलग अलग तरह के ट्रीट्स है। मैं एक मीठा पिज्जा बनाना चाहती हूँ। सबसे पहले मुझे सभी गुलाबी मार्शमेलो को पिघलाने की जरूरत है। Awesome! मुझे इसे थोड़ा चखना चाहिए। वाह, कितना स्वादिष्ट है, मुझे पसंद है। हम इसे सॉस पैन में डालते हैं। ओह, उधर देखो कितना अच्छा, मैंने सभी मार्शमेलो को पिघला दिया है। अब सब कुछ मोल्ड में डालेंगे और उसके जमने का इंतजार करेंगे। मुझे पता है कि मुझे अभी भी किनारों पे कुछ काम करना है। मैं उन्हें मार्शमेलो ब्रेड से चारों ओर से घेर दूंगी। वाह, ये स्वादिष्ट है और ये कितना सुंदर दिख रहा है। वेंसडे, तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो ये बहुत पसंद आया। तुम्हारा पिज्जा अजीब लग रहा है, लेकिन मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं एक मॉन्स्टर पिज्जा बना सकती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे डो पर टमाटर का पेस्ट डालना होगा, लेकिन ऐसा होने के लिए मुझे इस बेवकूफ जार को खोलना होगा। चलो खोलो। ओह थिंग, मेरी मदद करो। वाह, यह कुछ अलग सी चीज है। चलो इसे खोलने की कोशिश करें। वाह, यह काम किया, धन्यवाद थिंग। अब हमें डो पर टमाटर का सारा पेस्ट डालकर फैलाना है। तैयार। अब मुझे कच्चा कीमा मीट चाहिए। इसे आटा पर रखा और एक भयानक खोपड़ी की मूर्ति बनाई और इधर आंखें बना देती हूँ। हाँ, डर गए? अब हमें बेकन के साथ सब कुछ कवर करने की जरूरत है, जैसे कि एक कंकाल की त्वचा हो। अब बस उंगलियां बनाने हैं। ये बहुत मेहनत वाला काम है। मैं उंगलियों के आकार को काटने के लिए सर्जिकल नाइफ का इस्तेमाल करूंगी। तुम्हें क्या लगता है, यह उंगलियों की तरह दिख रहा है? मुझे यह बहुत समान लग रहा है। इसे पिज्जा पर फैलाएं। अब बस इसे पकाना बाकी है, लेकिन मैं इसे अपने बर्नर की मदद से करूंगी। यह इस तरह से बहुत तेज होगा। हाँ, यह बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। हम आंखें और दांत डालेंगे। कुछ और आंख जोड़ना जरूरी होगा। इनिट, मेरा काम हो गया। हाँ, यह पिज्जा बहुत डरावना लग रहा है। मैं तुम्हें दुनिया का सबसे प्यारा पिज्जा दिखाती हूँ। मुझे अपने रंगीन चॉकलेट को पिघलाने की जरूरत है। मेरा केतली इसके लिए एकदम सही रहेगा। हम सभी चॉकलेट अंदर डालते हैं और अब केतली को ऑन करना है ताकि पानी उबल जाए। ये थोड़ा इंतजार करना होगा। हाँ, मुझे कुछ और करने की जरूरत है। हाँ, मेरे बैकपैक में एक पॉपिट था, मुझे उसे निकालना होगा। मेरे पास यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। मैं इस गंदगी को साफ करना हमेशा भूल जाती हूँ। हुर्रे, मुझे मेरा फेवरेट पॉपिट मिल गया। अब हमें चॉकलेट लेनी है। क्या वे पिघल गए हैं? हाँ, कैची से टिप काट ले और चॉकलेट को पॉपिट में डाले ऐसे। वाव, सुपर, मैंने ये कर लिया। मुझे उसे निकालना होगा। ये बहुत अच्छा दिख रहा है और अब इसे पिज्जा पर डालते हैं। वाह, ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। हमें स्किटल्स भी जोड़ना है, लेकिन पहले मैं इसे चख लेती हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत बढ़िया। और अब हम इसे पिज्जा पर खूबसूरती से फैलाते हैं। ये बहुत सुंदर रेनबो बना है। तैयार। और बाकी जगह पर मैं रंगीन मार्शमेलो भी डालूंगी। यह भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है। वाह, सब वो रख देती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया हो गया। अब मैं थक गई हूँ। वेंसडे, हमने कर लिया। हाई फाइव। आपको हमारा पिज्जा कैसा लगा? कमेंट्स में लिखिए आपको किसका पिज्जा ज्यादा पसंद आया है। मुझे अपने दोस्तों को पिज्जा पार्टी में बुलाना चाहिए। वे जरूर आना और इसे खाना चाहेंगे। मैं भी बुलाऊंगी। वाह, उन्हें मेरा पिज्जा पसंद आया।
क्या तुम किसी पार्टी में जा रहे हो? अरे दोस्तों, सभी का स्वागत है। चलो पिज्जा ट्राई करो। कौन सा चुनोगे? वाह, तुम्हारे पिज्जा बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनिट का बहुत ही ज्यादा अच्छा है। चलो चख कर देखती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। वाह, मेरा पिज्जा भी स्वादिष्ट है। इसे ट्राई करो। बस ज्यादा शोर मत करो, नहीं तो हेड मिस्ट्रेस जाग जाएगी और तुम सभी को सजा मिलेगी। मैं देख रही हूँ कि सभी को पिज्जा समान रूप से पसंद है, इनिट और वेंसडे दोनों के पिज्जा। कूल, चलो मजा करें। वाह, मैं भी इसे चख कर देखती हूँ। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है, मैंने अच्छा किया है। वाह इनिट, तुम्हारा पिज्जा बहुत स्वादिष्ट है। वाह, सच में यह सब बहुत ही बढ़िया है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। वेंसडे, तुमने बहुत अच्छा बनाया है। तुम्हें मेरे दांत कैसे लगे? वेंसडे, चलो बदले। इनिट और मेरा स्वाद समान नहीं है, लेकिन मैं इसे चखूंगी। वाह, यह स्वादिष्ट है। इनिट, तुम्हारी रेसिपी कोई बुरी नहीं है। अब चलो एक साथ डांस करते हैं। वाह, कितना मजा। ओह दोस्तों, शोर मत करो। ओह, तुम्हें डांस करना बिल्कुल नहीं आता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने सबसे महत्वपूर्ण नियम को तोड़ा है। तुम रात 11 बजे के बाद शोर नहीं कर सकते। तुम्हें इसी समय सब कुछ साफ करना होगा। जल्दी करो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को स्कूल नहीं बुलाऊंगी, लेकिन फिर ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तुमने अच्छी तरह से सफाई की।